रवि। और पहले ही गेंद पर हाफ चांस था वहां पर, और इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, एक रन और टीम का खाता खुलता हुआ। और इसी के बीच इस बार वसीम में खेला है, निश्चित बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रनों के लिए। और इस और मौका है नीचे, और बढ़िया अब आए हैं दर्पण। अब पूरा दारमोदार दर्पण के पास रहेगा, क्या टीम के दर्पण बन पाएंगे वो भी देखना जरूरी। पटेल गार्डन की ओर से अब यहां से पूरा भार उठाना होगा दर्पण को अपने बल्लेबाजी पर और साथ में शीतल को। जड़ में डाली थी हल्की, हाथों से खेला, वहां पर हल्की सी मिसफील्ड हुई, वहां पर धवल की ओर से कोई रन, एक रन लिया गया। यहां पर एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। रन नहीं था वहां रन लेने की कोशिश, और इस बार ओवर की दिशा में बढ़िया फील्डिंग वहां पर। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर पटेल गार्डन 11।
और बढ़िया गेंद यहां पर नेहल के द्वारा। बल्लेबाज सेतल जो कि समझ नहीं पाए यहां पर, एक बार फिर तैयार। और ये तो आ बेल मुझे मार, ऐसी गेंद थी यहां पर। बल्लेबाज को इतना मौका दिया हाथ खोलने का, तो फिर बल्लेबाज थोड़ी बक्सेंगे और 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और इस बार मौका है और एक और विकेट। और इस बार अच्छा कनेक्शन, मगर ये भी एक और बल्लेबाज आते ही वापस जाना पड़ेगा चिंतन को भी। नए बल्लेबाज के रूप में तीर्थ को शामिल किया गया है मोगल पटेल गार्डन की ओर से। गेंदबाजी मोगल राज की ओर से नेहल ने संभाली है। 2 गन पे 2 सफलता, मतलब हैट्रिक पे खड़े हैं मेरे ख्याल से। और हल्की हाथों से यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप कवर के ऊपर खेल दिया। वहां पर फील्डर सनी मौजूद, 1 रन से अपना खाता खोला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन के ऊपर 3 विकेट पटेल गार्डन। और बढ़िया रन रन विकेट यहां पर तीर्थ और दर्पण के बीच 2 ओवर की समाप्ति के बाद 14 3 विकेट के नुकसान पर। स्कोर 14 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
बॉलिंग मार पे ध्रुवन अपनी ओर से तीसरा ओवर लेके आते हुए, टीम की ओर से अपने कोटे की पहली टीम की ओर से तीसरा। और यह मुकाबला ऐसा है डू और डाई, करो या मरो का मुकाबला है यहां पर, जो भी जीतेगा वो चौथे नंबर पर रहेगा। और नहीं पहुंच पाए, गेंद जा रही है सीमा रेखा पार, चार रनों के लिए और इसी चौके के साथ। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और हमारे डुगरी गांव के सरपंच श्री रविंद्र भाई नडू भाई पटेल पधार चुके हैं, उनका मोस्ट वेलकम श्री राम कप क्रिकेट ग्राउंड पर। ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट अमेजिंग, क्या लाजवाब छक्का देखने को मिला इस बार दर्पण के बल्ले से। और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25। और इस बार मौका मिला है, कीपर से हुई बड़ी चूक, गेंद जा रही है 22 के रूप में पूरे मिलेंगे चार। और एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, 30 रन सॉरी 30। और ये तो हाथ खोलने का मौका मिला था तीर्थ को, मगर फायदा नहीं उठा पाए, खराब गेंद थी ध्रुवन की ओर से, फायदा नहीं उठा पाए। बढ़िया कैच पकड़ा गया अंकित की ओर से, अब नए बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है जय पटेल को, पटेल गार्डन के आइकॉन प्लेयर में से जाने जाते हैं, मगर उनका बल्ला अब तक शांत है। और आज इंपोर्टेंट मुकाबला है, डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो, अगर हारोगे तो बाहर जाना पड़ेगा और जीतोगे तो टॉप फोर में जगह बना पाएंगे। और तीन ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाकर इतनी स्लो गेंद थी इस बार और बल्ले पे उतने जाते अच्छे से आई नहीं, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। और चोटिल हुए वहां पर अपने आप को, वहां पर वहां लगी थी वो, वहां पर देख रहे थे गेंद पे नहीं, और 22 के रूप में लेग 22 यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और ये बहुत ऊंची जा रही है नीचे, कप्तान मिलन और आसान सा कैच ड्रॉप। अगर एक इनाम की घोषणा होती हुई यहां पर मुगल राज इलेवन यह मुकाबला जीतती है तो मनीष भाई की तरफ से 2500 रुपया का इनाम का योगदान दिया जाएगा। बार फिर से यहाँ पर ऑफ्टम के बाहर चले गए थे, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर, एक और लेग 22 का इशारा, गेंदबाजी धवल की ओर से बढ़िया हो रही है यहाँ पर। और इस बार रिवासी में खूबसूरत शॉट, जो इनके अंदाज है वो अंदाज आना चाहिए था मगर आज देर आए, मगर दुरुस्त है क्योंकि सबसे इंपोर्टेंट मुकाबला है। यहां से अगर ये बल्लेबाज चलते हैं दोनों तो मैच को 70 के आसपास तो लेके जा सकते हैं। लाजवाब शॉट जिसे कहना चाहिए यहां पर, और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। एक और रिवर्सिव में और नहीं रोक पाएंगे, एक और खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और एक और पटेल गार्डन के लिए घोषणा आती हुई, अगर पटेल गार्डन यह मुकाबला जीती है तो उनके ऑनर प्रमोद भाई की तरफ से 2500 रुपया दिया जाएगा। और गेंदबाज मिलन के हाथों में गेंद है और ये थोड़े से दिशा से भटके हैं, अंपायर समीर शेख की ओर से वाइड करार दिया गया है, वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ।
और इस बार ऊंचा उतना है नीचे कौन, ध्रुवेश के हाथ से बढ़िया कैच। होती हुई यहाँ पर अगर मोगल राज 11 यह मुकाबला जीती है तो मोगल राज के ऑनर सोमू भाई की तरफ से भी 2500 रुपया दिया जाएगा। और जयेश के बल्ले से नीचे सनी और जिसे कहना चाहिए आसान सा कैच ड्रॉप। और बहुत ही आसान सा कैच छूटता हुआ नजर आया। और गलती हुई है बल्लेबाज से, लो फुल टॉस थी और क्लीन बोल्ड हुए वहां पर जय। बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है गौतम। और ये बाहरी किनारा गेंद सीमा रेखा पार, बार गए सारा चार रनों के लिए, चार के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। गौतम छक्का लगाते हैं तो हार्दिक भाई की तरफ से 501। और ला लीजिए 501 जमा करवाए हार्दिक भाई से निवेदन है, छक्का लगा चुके हैं यहां पर गौतम। अच्छा प्रयास हुआ था ध्रुवेश की ओर से, मतलब और ऊंची रही यहां पर। और आसान सा कैच एक और छूटता हुआ यहां पर डीप थर्डमैन के फील्डर की ओर से। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर का खेल बाकी। सबसे सर्वाधिक स्कोर 13 गेंदों में 20 रन बनाए दर्पण ने।
और ये तो कौर की दिशा में खूबसूरत शॉट, मगर वहां बढ़िया कैच पकड़ा गया है यहां पर अंकित के हाथों से। शॉट में कोई कमी नहीं थी, मगर वहां कैच ही बढ़िया पकड़ा गया। अगर कोई भी खिलाड़ी छक्का लगाते हैं तो प्रमोद भाई टीम के ऑनर की ओर से 201 रुपया। और इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर फील्डर मौजूद जिनल वहां पर है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हो 58। और जरूर एक रन चुराने में कामयाब, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59। और मौका है नीचे, फील्डर नेहल ने जरूर प्रयास किया था, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और 2 रन चुराने में कामयाब। 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। पारी के देखे जाए तो 2 के शेष। और गलती हुई एक और कीपर के हाथों से, पूरे मिलेंगे 4। 65 आखिरी गेंद इस इनिंग की। ओ हो, ये तो जलेबे नमक है यहां पर। 6 रनों के लिए 71, 72 सम्मानजनक स्कोर पे पहुंच गए यहां पर।
और इस और इसके बाद भी एक मुकाबला है, तो थोड़ा एम्पायर से निवेदन है कि जल्दी करें, खेल जल्द से जल्द चालू रखें यहाँ पर। और स्वागत किया है यहाँ पर रिवर्सी में चौके के साथ गेंदबाज दर्पण को यहाँ पर। और इस बार और पता नहीं हो, धीरे धीरे गेंद के साथ जा रहे हैं बाउंड्री के पास, गेंद रोकने का प्रयास नहीं, साथ में जा रहे हैं वहां पर। 2 रन चुराने में कामयाब और 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। और अपील हुई है जोर से, मगर कोई प्रभाव नहीं यहां पर। और इस बार कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए, बेहतरीन कवर ड्राइव 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10। और एक और खूबसूरत शॉट, मगर फील्डर वहां जय मौजूद, 1 ही रन के साथ संतुष्टि और 1 के साथ स्कोर 11 स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11। पारी का ये पहला पावर प्ले जारी। और इस बार कवर की दिशा में मौका है और बढ़िया कैच। बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है अंकित,
गेंदबाजी के लिए अब आए हैं रवि, कॉमेंट्री बॉक्स के छोर से यहाँ पर, और नए बल्लेबाज को शामिल किया गया है मोगल राज के लिए। अगर मोगल राज ये मुकाबला जीतती है, हार्दिक भाई टीम के ऑनर के भाई के ओर से 2500 रुपया दिया जाएगा, मतलब टोटल 7500। और मौका है नीचे, फील्डर हर एक विकेट पे 251 रुपए का इनाम है, मतलब एक विकेट रवि ने ले ली है पहली गेंद पर और एक विकेट दर्पण ने ली थी, मतलब दोनों 251 251 के हकदार बन चुके हैं। इसके बीच एक बार फिर तैयार बॉलिंग मार पे लो, फुल टॉस, यॉर्कर लेंथ जिसे कहनी चाहिए यहाँ पर, ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया गेंद जिसे कहते हैं यहाँ पर टेनिस क्रिकेट में। अगर इस गेंद पर सिर्फ एक ही बल्लेबाज ने महारत हासिल की है, हमारे पानेरा के बंटी पटेल, जो इस गेंद पर छक्का लगाते हैं उन पे क्षमता है, मगर बाकी कोई बल्लेबाज में उतनी क्षमता होती नहीं है हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए। इसके बीच एक बार फिर तैयार बल्लेबाज अंकित, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, लेट कट खेलने की कोशिश थी, काफी लेट गए थे बल्लेबाज के लिए और गेंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं वहां पर, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। स्कोर अभी भी रुका 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर, पारी का ये दूसरा ओवर जारी, आने वाले 26 गेंदों में 60 रनों की आवश्यकता। इस बार बेहतरीन कवर ड्राइव जिसे कहना चाहिए फील्डर गौतम, क्या रोक पाएंगे, बढ़िया फील्डिंग कहनी चाहिए यहाँ पर, निश्चित अपने टीम के लिए 2 बचाए। थोड़ी सी मसल में खिंचावट आई है वहां पर पैरों में, दो के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14। पारी का देखे जाए तो इस पावर प्ले की अंतिम गेंद शेष, दो ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर मोगल राज 11, और मोगल राज 11 यहां से मुकाबला जीतती है तो 7500 रुपए का इनाम लगा है उनके पास। अगर पटेल गार्डन यह मुकाबला जीतती है तो टीम के ऑनर प्रमोद भाई की ओर से 2500, और हर एक विकेट पर 251, और इसके बाद का जो मुकाबला है वेदिका एंटरप्राइज और क्रीवा 11 के कप्तान से निवेदन करूंगा टॉस के लिए और प्ले 11 लिस्ट लेके आए। जीते थे बैट
और एक और विकेट जिसे कहना चाहिए यहां पर, बढ़िया कैच रवि की ओर से। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज केविन के बल्ले से ही है। और इस टीम में देखे जाए तो दोनों भाई आमने सामने हैं। जब तक थ्रो किया जाए दो रन चुराने में कामयाब, थोड़ी देर में आमने सामने भी होंगे गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, केविन पटेल और तीर्थ पटेल। क्या लाजवाब शॉट जिसे कहना चाहिए, सच अ ब्यूटीफुल शॉट, हवाई फायर और प्लस नो बॉल। यहाँ लेग साइड पे छह खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से, शायद क्या पता अंपायर का इशारा जरूर देखना चाहेंगे यहाँ पर। ओहो, पिच के पीछे तीन फील्डर थे यहाँ पर। और टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले के लिए यहां पर वैदिक एंटरप्राइज और क्रीवा इलेवन के बीच, और जिनमें यहां पर क्रीवा इलेवन ने टॉस जीता है और डिसीजन, सॉरी वैदिक एंटरप्राइज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी है, आमंत्रित किया है क्रीवा इलेवन को पहले बल्लेबाजी के लिए। और उनके लिए भी बहुत बड़ा मुकाबला है वो दूसरे पैदान पर रहने के लिए, और दूसरे पैदान पर रहेंगे तो दो चांस मिलेंगे, पहला क्वालिफायर और दूसरा क्वालिफायर भी खेलने का मौका मिलेगा। और एक और मगर फ्री हिट है और गलती हुई फील्डर से, वहां पर पूरे मिलेंगे चार, चार के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। और एक और खूबसूरत शॉट जिसे कहना चाहिए, क्या ही कवर के दिशा में चार रनों के लिए केविन के बल्ले से, और इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31।
और इस बार सीधे बल्ले से यहां पर फील्डर, बढ़िया फील्डिंग यहां पर, एक रन से रोक पाएंगे और एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33-32। और ओवर की देखे जाए तो तीसरे ओवर की अंतिम गेंद से इस, और इस मुकाबले के हमारे अंपायर समीर शेख और मैन अंपायर सत्यम मिस्त्री अब सामना करेंगे अंकित राइट हैंड बल्लेबाज। गेंदबाज जय काफी महंगे साबित हुए, 18 रन गवा चुके पांच गेंदों में, पूरी रुकति बदल दी यहां पर। और मौका है नीचे कीपर, कोई रन नहीं यहां पर। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 32, अब आने वाली 18 गेंदों में 40 रनों की आवश्यकता। अब आए हैं आमने सामने, ब्रदर वर्सेस ब्रदर, बाय बाय छोटे के सामने बड़े, बड़े के सामने छोटे, मगर इसमें बाय बाय नहीं चलेगा। ये क्रिकेट है, ये आमने सामने है, तो एक दूसरे के खिलाफ हो रही है यहां पर बल्लेबाज बड़े भाई केविन और गेंदबाज छोटे भाई तीर्थ। और इस बार रिवर्सिप में खेलने की कोशिश थी और बल्लेबाज केविन वहां पर अपने आप से अफसोस करते हुए, अच्छी गेंद थी उनकी, स्लॉट की गेंद थी, खेलने में कामयाब नहीं हो पाए यहां पर। देखना होगा कौन शेर है और कौन सवा शेर है, कौन बब्बर शेर है यहां पर। और हवाई फायर, इस बार फाइनली और इसी छक्के के साथ आने वाली 16 गेंदों में 34 रनों की आवश्यकता। एक और, ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट, और एक्शन रिप्ले जिसे कहते हैं यहां पर।
हुआ, अब 12 गेंदों पे अब 16 चाहिए। तो देखे जाए तो पिछले दो ओवर में 18+24 मतलब 42 रन आए दो ओवर में, अब चाहिए 12 पे 16। और केविन को चाहिए 9 रन यहां पर 50 रन बनाने में, 41 पर खेल रहे 11 गेंदों में। अगर दो गेंद पे चौका छक्का लगा दे तो सबसे फास्टेस्ट 50 केविन की मानी जाएगी। और रवि आए हैं अपने गेंद लेके यहां पर पांचवी ओवर लेके, पहली ओवर में यहां पर देखे 3 ही रन दिया था एक सफलता के साथ। और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। और एक और दो फील्डरों को घेरती हुई गेंद 4 रनों के लिए 45 पर पहुंच चुके हैं। अगर यहां से छक्का लगाते हैं तो मतलब सबसे फास्टेस्ट 50 बन जाएगी इस पूरे टूर्नामेंट की। अभी अगर कोई भी छक्का लगाएंगे तो लालू भाई लंदन की ओर से 501 रुपये का नगद पुरस्कार। और 50 के बनाने के चक्कर में कैच थमा बैठे यहां पर 13 गेंदों में 45 की पारी खेली यहां पर, मैच विनिंग पारी जिसे कहने चाहिए बल्लेबाज केविन की ओर से। आने वाली 9 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, क्या कारनामा कुछ नया कर पाएंगे रवि यहां से। और बहुत ही खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए यहां पर 8 गेंद 11 रन। और एक बाहरी किनारा लगा था वहां पर कीपर ने रोका, यहां पर 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। आने वाले 7 गेंदों में चाहिए 10, 7 पे 10। राइट हैंड फील्डर, राइट हैंड बल्लेबाज अंकित। और गेंद जा रही है ऊंची उतनी, और बढ़िया कैच यहां पर तीर्थ की ओर से, अब 6 पे चाहिए 10।
मैच में एक और मोड़ आता हुआ यहाँ पर, तीर्थ ने बढ़िया कैच पकड़ा यहाँ पर, एक और रोमांच बनता हुआ यहाँ पर। अगर एक छक्का भी कम लगा होता तीर्थ के गेंदबाजी में तो यहाँ पर 16-17 रन बचते। अब 6 पे चाहिए 10 नए बल्लेबाज के रूप में सनी। छह गेंदों में चाहिए 10 और गेंदबाजी थमाई है दर्पण के हाथों में, तो देखना होगा क्या कारनामा कर पाएंगे दर्पण, क्या टीम के बनेंगे दर्पण, क्या मैच विनिंग दर्पण, अब आने वाले समय में पता चलेगा। बल्लेबाज मिलन, बल्लेबाज सनी और गेंदबाज दर्पण, और पहली गेंद क्या खूबसूरत गेंद जिसे कहनी चाहिए यहां पर, बढ़िया गेंद, वाइड एज यॉर्कर डिलीवरी थी यहां पर। 5 गेंद 10 मतलब हर एक गेंद पे 2 रन। और बल्ले में और बेहतरीन का जिसे कहना चाहिए यहाँ पर। अब एक और मोड़ अलग आता हूं, अब कैच पकड़ा है तीर्थ के हाथों से और तीर्थ भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, जरूर 24 गवाए बाद में खुर मुंह पे खुशी आती हुई यहाँ पर, और बटल गार्डन के खेमे में अब खुशी आती हुई। अब जा रहे महाभारत के तो अर्जुन, मगर ये तो क्रिकेट के जा रहे हैं अर्जुन। क्या अर्जुन मैच जिता सकते हैं मुगल राज 11 को? महाभारत में तो अर्जुन ने वहां पर जीत दिलाई थी, धर्म की जीत हुई थी, मगर इस मुकाबले में क्या अर्जुन मैच जिता सकते हैं? गेंदबाज दर्पण, 2 गेंदों में कोई रन नहीं, एक सफलता भी चुरा ली है यहाँ पर, 4 गेंदों में 10 और यह मुकाबला काफी रोमांचक है। जिसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम हो मैच नहीं देखे तो अच्छा रहेगा। और जड़ में डाली थी, पहला रन काफी तेजी से लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे और देखना होगा, एक ही रन के साथ संतुष्टि। सनी यहाँ पर स्ट्राइक से दूर भाग रहे हैं और स्ट्राइक अपने से दूर नहीं जाने देंगी, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 3 पे चाहिए 9 स्ट्राइक तो रखनी होगी, रन बनाना होगा और मुकाबला भी जीतना होगा। क्या कारनामा कर पाएंगे सनी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज? एक समय पर ऐसा लग रहा था कि आसानी से यह मुकाबला जीत जाएगी, मगर मैंने कहा डेनिस भाई को कि यह मुकाबला है, मैच है, कुछ भी हो सकता है, और डेनिस भाई और क्रिकेट का नाम ही अनिश्चितता होगा, खेल लास्ट गेंद तक वहां बोर्ड पे ना आ जाए कि हम जीत चुके हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक और अच्छी गेंद और 22 के रूप में एक और रन मिलता हुआ, और 2 गेंदों पे चाहिए 8 मतलब 2 पे लंबी बाउंड्री। दो पे 8 चाहिए थे, 6 पे 10 अब 2 पे 8 समझ ही नहीं आ रहा है यहां पर क्या से क्या हुआ। अब ये तो अब अर्जुन के पास ही सॉल्यूशन होगा मेरे ख्याल से।
अर्जुन, क्या अर्जुन पारी, मैच विनिंग पारी अर्जुन के बल्ले से क्या दिखाई देगी? नहीं, एक गेंद आउट, ये मुकाबला जीते हुए ये गेंदबाजी हुई है दर्पण। व्हाट अ गेंदबाजी, क्या ही सुपर गेंदबाजी। जो पहले तीन मुकाबले में दर्पण का प्रदर्शन खराब हुआ था, आज उभरते प्रदर्शन आया, प्रोत्साहन बढ़ाया था। सुबह मेरे को मिले थे, मुलाकात हुई थी मेरी उनके साथ, और उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन बढ़ाया कि आपके पास क्षमता है, और उसी के बदौलत आज अच्छा कारनामा करके दिखाए। और एक और विकेट लीजिए, क्वालिफाई पटेल गार्डन। हेलो 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 हेलो, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच दर्पण पटेल, और इनको ट्रॉफी आना